अजमेर में लगातार चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के सेंदरिया इलाके में मुख्य मार्ग पर स्थित दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात चोरों ने 1,65,000 की नकदी के साथ ही अन्य कीमती सामान पार कर लिया। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 3 आरोपी शटर को तोड़ते नजर आ रहे हैं। शटर को ऊंचा कर चोर अंदर घुसते हैं और अंदर रखे रुपए व अन्य सामान चोरी कर फरार होते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर पीड़ित अर्जुन कुमार ने आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। वहीं पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। सेदरिया चौराहे पर है, पानी की टंकी के पास, वहाँ हमारी ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट के है, झूलेलाल ट्रांसपोर्ट के नाम से फर्म है हमारी। वहाँ 3 अज्ञात व्यक्ति आए थे बाइक लेके, सुबह 4 बजे के लमसम तो हमारे शटर को टेढ़ा करके अंदर घुस के जो हमारी रकम कैश पड़ी थी वो लेके निकल गए। और 1,55,000 या 1,65,000 पे कैश था और डोंगल ले गए एक, और थोड़ा सामान को तोड़ फोड़ गए। रिपोर्ट करवा दी है अभी आदेश नगर। 3 है, सीसीटीवी कैमरे में कैद है। शटर को आड़ा करके निकाल दिया उन्होंने। पुलिस को इतला करी थी, सुबह आए थे तो उन्होंने बोला सीसीटीवी का फुटेज लेके आओ, तो अभी हम थाने गए थे, अभी वापस बुलाया तो जा रहे हैं अभी। आदेश नगर थाना, अर्जुन। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।